अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, दो लेक्चर्स में हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक की क्वांटिटी निकाली थी, उसके बाद पंप रूम की क्वांटिटी दूसरे लेक्चर में निकाली थी। अब हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जी, जिसमें हम सम्प वेल की क्वान्टिटी निकालेंगे। ठीक है जी, सम्प वेल के एक तो ये हमारे पास सम्प वेल है, एक ये है, सेम है ये, और तीसरा हमारे पास ये पंप रूम के अंदर एक छोटा सा सम्प बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम क्वांटिटी निकालेंगे। अब एक चीज़ इसमें मद्देनजर रखेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, इसका लेक्चर नंबर 3 है जी। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 आ गया हमारे पास, और सम्प वेल का हम जो है यहाँ से इसकी सेक्शन कॉपी कर लेते हैं। सेक्शन यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको ले आएंगे। ठीक है जी, ये लेक्चर हमारा थर्ड जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले ये है कि इसमें ये फुटिंग के अंदर पीसीसी जो सबवेल की पीसीसी है ये फुटिंग के अंदर आ जाएगी, तो लिहाजा इसमें इसकी पीसीसी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आरसीसी जो है इसकी, आरसीसी इन फुटिंग, ये भी जो है सेक्शन बी की जो फुटिंग है मेन फुटिंग उसमें क्लियर हो जाएगी। सिर्फ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ये वॉल्स की क्वांटिटी निकालेंगे हम, और स्लैब की, टॉप स्लैब की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी सम्प वेल, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी सम्प वेल। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी पीसीसी तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो उसमें क्लियर हो जाएगी, सिर्फ वॉल्स क्वान्टिटी यहाँ पे वॉल्स। अच्छा, सबसे पहले आइटम है जी आरसीसी इन वॉल्स। अच्छा, आरसीसी इन वॉल कैसे निकालेंगे कि ये हमारे पास लॉन्ग वॉल है 6.75, तो दो वॉल्स आ जाएंगी, लेकिन सम वेल ये और ये सेम है, तो इसकी जो लॉन्ग वॉल आएंगी वो 4 आ जाएंगी। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 4 हो गए। अच्छा, इसकी हमने लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट की थी 6.75, यहाँ पे भी देख लेते हैं इसकी कितनी आती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा 6.75 सेम आ गई। अच्छा, 6.75 इसको लिखेंगे हम। अच्छा, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे सेक्शन में हम देखेंगे, जैसे पहले करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक में और सम वेल में किया हमने, तो ये 9 इंच की इसकी चौड़ाई है जी, 0.75 आ गया। उसके बाद हम करेंगे इसकी हाइट ले लेंगे, हाइट इसकी कितनी है, 5 फीट क्लियर हाइट है जी। ठीक है जी, उसके बाद हम दोबारा शॉर्ट वॉल की तरफ जाते हैं, इसको हम लिख लेते हैं लॉन्ग वॉल्स और इसको शॉर्ट वॉल्स। ठीक है जी, शॉर्ट वॉल कितनी आएंगी हमारे पास, हमने क्वांटिटी यहाँ तक ली थी, ठीक है, यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्वान्टिटी इसकी आ जाएगी 4 फिट, तो शॉर्ट वॉल हमारे पास कितनी आएगी 4 फिट, ये तो इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, लेकिन कितनी आएंगी, ये एक एक ये आ गई, एक ये आ गई, दूसरी क्यों नहीं आई, क्योंकि ये रिटेनिंग वॉल है बैक साइड पे, ये उसी में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 आ गई शॉर्ट वॉल्स, और उसके बाद इसकी चौड़ाई भी उतनी है और इसकी हाइट भी उतनी ही है 5 फिट की। अब फार्मूले को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। फार्मूला मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें डबल क्लिक करके इसको चेक करना होता है कि ये ड्रैग सही है, मतलब हमारी जो रोज़ हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं, कुछ चीज़ मिस तो नहीं है, कोई रो मिस तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम, ये पहली आइटम हमारे पास होगी। अब दूसरी आइटम जो है, आखिरी आइटम, आरसीसी इन टॉप स्लैब। तो टॉप स्लैब में जस्ट और ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई अपना, ये है सम्प वेल कितने आ गए 2, उसके बाद इसकी लेंथ विड्थ कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी जी, यहाँ से हम देख लेते हैं सेक्शन के अंदर इसकी, सॉरी ये हम प्लान में देखेंगे, इसकी लंबाई आ जाएगी 6.75 और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 5.5 आ गई, और थिकनेस हम सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे,
थिकनेस सेक्शन में देखेंगे चेंज आ जाएगी 0.5। तो ये फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई। ये हमारे पास सम वेल, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, 1, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो गया जी। अब हम सम वेल 2 को निकालेंगे जी, जो कि पंप रूम के अंदर है। तो हम देखते हैं कहाँ से हमें देखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको सेटिंग कर लेते हैं, इसकी सम वेल 2 का नाम दे देते हैं उसको, और सेम उसी तरह क्वांटिटी इसकी निकलेगी, सिर्फ उसकी मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। ये पहले मैंने हैच किया था, इसको मैं मूव करके बाहर रखता हूँ हैच को, बाद में इसको कॉपी करके लगा। अच्छा, इसमें भी सेम चीज़ें आएंगी क्योंकि आरसीसी और पीसीसी पंप रूम में हमने कैलकुलेट कर ली थी, इसकी भी दीवारें आएंगी और जो है ना वो आएगी आपकी स्लैब, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल्स, ठीक है जी। शॉर्ट लॉन्ग वॉल कितनी आ गई, लॉन्ग वॉल हमारे पास ये डायमेंशन आ गई इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.6, 5.5, और लॉन्ग वॉल 1 आ जाएगी। शॉर्ट वॉल कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डायमेंशन आ गई 3 फिट। तो 2 दीवारें हमारे पास 3 फिट की आ गई, और चौड़ाई और हाइट सेम आ जाएगी। फार्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये देखें ना, एक हमारे पास और आ गई, इसको ड्रैग कर लेंगे। आर सी सी टॉप स्लैब हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, और ये 1 आ जाएगी हमारे पास। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 5.5 फिट बाय 1, कहाँ से कहाँ तक आ गई, यहाँ तक 3.75, 3.75 और 0.5 उसी तरह आ गया। तो ये हमारे पास सम वेल की क्वांटिटी आ गई, ठीक है जी। ये हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम फुटिंग को स्टार्ट करेंगे, उसी तरह ही इसको हैच भी कर सकते हैं आप, ताकि आपको पता चल सके कि हमने कौन कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी भी किस्म की क्यूरी है या क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।